कैसे हैं सब, आप देख सकते हैं ब्लॉगर आज अपनी वीडियो पे हम आ चुके हैं दिल्ली के जू में। आप अपने पीछे जू देख सकते हैं और ये बादशाह और ये अपना पुलगलत ब्लॉग्स ऐसे करते हैं एक बार पुलगलत। तो अभी हम आ चुके हैं, घड़ी पहनना भूल गया यार, मैं घड़ी पहनना भूल गया। कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं जू, और जू से आने से पहले हमें थोड़ा सा सुहा हुआ दिख गया है, नहाने वाने का मन कर रहा है पर नहा नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई होता है ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे, और यहाँ पे क्या है, कुछ डॉल्फिन वगैरह दिखाई दे रही है, अभी रुक जाए ना। तो यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी फिश है, चल के देखते हैं आगे, कुछ बड़ा करना है। यहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस है, मतलब कोई भी कंप्लेंट वगैरह करनी हो डायरेक्टर ऑफिस में आके कर लेना। और देखो मैं अपने हिसाब से कहूँ तो ब्लॉगिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर आप के अंदर एक टैलेंट है ब्लॉगिंग करने का तो ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, कोई बड़ा ओपिनियन नहीं है। जल्दी आ, तो बड़ा ओपिनियन नहीं है ब्लॉगिंग करने का। सो गैस अभी हमें ज़रा सा हम पैनल चले हैं, और हमें यहाँ पे सामने कैंटीन दिखाई दे गया है, ब्लॉगिंग करते वक्त आप चाहे तो यहाँ पे ये बस भी कर सकते हैं, आई थिंक फ्री है, आ जा कैंटीन पे आ जा। तो अभी मेरा फ्रेंड बुला रहा है, सो चलते हैं अभी, थोड़ा सा एक कोई एनिमल दिखता है उसके बाद ही हम कोशिश करते हैं। ठीक है। बता क्या हमें किसी और से पता लगा। चलते हैं गाइस, चलते चलते थोड़ा सा मन किया स्ट्रिंग पीने का, तो देखते हैं यहाँ पे सिक्का भी है, सांभर भी है, गौर स्मॉल गेट्स एंड इंडियन रेगुलेट एंड हिप्पोपोटामस मिलेगा, और एजुकेशन सेंटर ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलते हैं आगे, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सांभर है, स्पॉटेड डियर है, बाकिंग डियर है एंड नील का है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डाल दूंगा। एंड ब्लैक बक एक डियर है, बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, पर बंदर वो होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से रहना, और बाकी आपको आवाज़ आ रही होगी बहुत सारे यहाँ पे जानवरों की, जैसे अपने पिकॉक की आवाज़ आ रही होगी। तो आगे चल के देखते हैं, तो चलते चलते एक जगह दिखी है हमें जहाँ पे बंदर के स्पॉटेड होने का है, यहाँ पे बंदर है, बट यहाँ पे भी बंदर बंद है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। पहले बंदरों के लिए यहाँ पे पानी नहीं है, आप देख सकते हो पानी बिल्कुल नहीं है, बंदरों के लिए पानी होना चाहिए भाई, ज़ू वालों को कुछ करना चाहिए, अपने ही ज़ू को एनवायरनमेंट करें। चल आ जा, ठीक है चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है वहाँ पे बबून, ये रहा वो सामने बबून दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे जानवर दिखाई दे सकते हैं अगर आपको जानवरों से प्यार है तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं बबून है, क्या होता है आगे, और कौन क्या क्या हम फन करते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, खाना भी खाना है बाद में। ये शायद से चलिए चलते हैं, सुडान उडान के साइड रहते नहीं बबून, कहाँ पे, यहाँ पे हमें डियर दिखाया है, डियर स्पॉटेड डियर देख रहा हमारी तरफ, इंफॉर्मेशन क्या हाल है, सब बढ़िया, नहीं है बढ़िया नहीं है, ये देखो वहाँ पे ऊपर भी है, और अभी आपको दिखाते आगे, और देखो एक यहाँ पे एक दूसरे सामने बैठी, हेलो इधर देखो, वाओ नाइस, ब्लू एंड येलो मकाओ भाई, ये देख सामने बैठी है हमारे, हेलो सामने बैठे भाई। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मकाओ के बारे में, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बिना नाम का है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है भाई। सो यहाँ पे मिलिट्री मकाओ, यहाँ पे आर्मी वाला है, मिलिट्री आर्मी वाला मकाओ है ही नहीं, नहीं है भाई नहीं है गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखो कॉकटेल क्या है, ये कॉक केकू ऐसे कुछ नाम है, वो सामने बैठे दो, क्यूट तो है गाइस, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ग्रे पैरेट अपने का ग्रे पैरेट है, पर लेकिन दिखा वो रहा, हाँ समझदार पैरेट, बुद्धिमान, और ये है खालिज मुर्गा, कहाँ है भाई मुर्गा,
ओ भाई ये था सामने मुर्गा जी के झल से आवाज चिकन खा लीजिए। फिर से मुर्गा है भाई, मुर्गा है लिखा है, मुर्गा है, मुर्गा है। तो यहाँ पे काला मुर्गा आ गया। वही है लेडी फिशेंट, ये लेडी है पर देखो और क्या बचा, अभी आगे देखते हैं गाइस। और सॉरी सिल्वर प्रेजेंट एंड आ गई यहाँ पे सिल्वर, वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे और भी चीज़ें घूमने की, अभी देखते हैं और क्या क्या घूम सकते हैं। के अंदर लाया जाता है केज इनका, दिखा है बोला सो रहा है, ये देखो पास दिखा दो चिड़िया घर में बहुत दरियाई का घोड़ा, तो ये खड़ा हो रहा है, बच्चा भी है, वो बच्चा भी है छोटा सा। ओहो गोली चल रही है, हट जाओ गोली चल रही है, ओ गोली चल रही है, जा गोली चल रही है। ओ तो चल गई अभी रॉकी, इतनी गाड़ियां पे। तो गाइस यहां पे बोर्ड दिखाई दे रहा है, जैगुआर वाइट टाइगर बबून एंड एलिफेंट, चलते हैं आगे। बाकी ग्रीनरी तो आपको पता है, जूम में ग्रीनरी नहीं होगी तो क्या होगा, चलते आगे। गाइस यहां पे है एलिफेंट, इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, एलिफेंट बोला फुल गर्ल ब्लॉक दे रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसने कुछ काम किया है, गाइस से तो दिख गया है बट अभी वो विश्राम मोड पे है, बोला देखो सो रहा है बेचारा, दिखाई दे रहा होगा वो, बोला और कोई है क्या यार, शेर नहीं है, नहीं है। बस इतना ही, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो शेर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यहाँ पे, वीडियो पॉज करके देख लेना आराम से। टाइगर बंगाल टाइगर जो कि अभी विश्राम मोड पे है, यानी कि सो रहा है बेचारा, कोई नहीं अंदर है वो सो रहा टाइगर, वाइट टाइगर अफ्रीका के जंगल, अफ्रीका के जंगल एक इंजेक्शन लगा रखे स्पॉटेड। मिनट वेट करने के बाद कहाँ गया, बोला दो मिनट वेट करने के बाद वो मूवी मिशन में आ चुका है। उधर खड़ा हो चीता, सॉरी टाइगर, देखो कैसे कहाँ गया, तो बोला गाइस टाइगर आराम से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहे हैं। तो वो बैठ चुका है बस, यस बहुत बड़ी, क्या ले लाइगर भी रखने चाहिए, तो वो दहाड़ रही थी अभी साफ घर में। चलो पानी बहुत है, ध्यान से चलना गाइस। तो आते ही हमें वो दिखाई दिया, सो गाइस यहाँ पर एक टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल भाई है कोने पे, और यहाँ पे क्या है लकड़ी के अंदर एक है, सफेद वाला डॉग फेस वो वाला सांप है, और यहाँ पे छोटा सा एक सांप है, सांप को आवाज नहीं आती, वही तो तभी तो बीन में जाता है। यहाँ पे चूहे हैं मेरे ख्याल से, चूहे यहाँ पे सांप हमारे शत्रु नहीं है। अच्छा कहाँ गए कहाँ है, अच्छा बोला गाइस वो देखो वहाँ पे एक इंडियन रॉक पाइथन जो कि इंसान को जकड़ लेता है, रॉक पाइथन नाम ही काफ़ी है, रॉक पाइथन
अभी ओ भाई 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 वो देखो देखो पे ओ शिट ये तो पास में है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इनकी जो खाल होती है उनसे यहाँ का देखो बैग बनाए जाते हैं लेडीज़ों के, बेल्ट बनाई जाती है जेंट्स लोगों की। देखो कैसा लगा गाइस ब्लॉग मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और ब्लॉग से मैंने चार से ज़्यादा जानवर दिखाने की कोशिश की है, नेक्स्ट ब्लॉग में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएगी। तो ब्लॉग को शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर देना। और पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लोर किया है इतने मात्र 14 ईयर्स बाद, यानी कि 14 साल बाद मैंने दिल्ली ज़ू को एक्सप्लोर किया है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, बहुत मेहनत लगी है। तब तक गर्मी में गया था तो बस अभी वेट हो रहा अपनी बस का, पीछे बस स्टॉप है ये रहा, ये बस स्टॉप है। तो चलते हैं गाइस, सब्सक्राइब कर देना डी ब्लॉगर आपको एंड थंबनेल जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय।